नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे एज सिंपल एज एबीसीडी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और वीडियो के लास्ट में आप अपने स्कोर जरूर शेयर करके जाए कमेंट बॉक्स में कि आपने 10 में से कितने का सही जवाब दिए और कितने के रॉन्ग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से देख के बताइए। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सैमुअल हनीमैन को माना जाता है होम्योपैथी का संस्थापक। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर डी गुरु नानक देव। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, गुरु नानक देव बाबर के समकालीन थे। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस लोधी शासक ने भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से देख के बताइए। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोधी ने गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, WWW का विस्तृत रूप इनमें से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से देख के बताइए। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का विस्तृत रूप है। इसे आप याद रखें, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ये NTPC के एग्जाम में पूछा गया है कई बार। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 व्यक्तियों को दिया गया है, उनके नाम है रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेर और 3rd नंबर के हैं एंड्रिया गेज। इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 में। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रवरदाय ने लिखी थी ये पुस्तक, पृथ्वीराज रासो। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा मैं जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, खसरा बीमारी किस वायरस के कारण होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रुबेला वायरस के कारण होती है खसरा बीमारी। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे बना है? तो आपके ऑप्शन है सतलुज नदी, यमुना नदी, भागीरथी नदी या फिर डी झेलम नदी। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, झेलम नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कार्य की SI इकाई इनमें से कौन सी है? ऑप्शन में से देख के बताइए, कार्य की SI इकाई क्या है? तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जूल है कार्य की SI इकाई। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इंपोर्टेंट सवाल है, जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका क्वेश्चन और आपके ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात। और आप सभी को ये बताना है ये जो जोग जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना अपना जवाब, और मैं उन सबका रिप्लाई भी करूंगा। और इसी के साथ
ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर जरूर करें अपने मित्रों जनों में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।